का सर कमेंट आया था, वो बोले कि पहले तो आपने सर फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर है ना उनको अच्छा बताया था। सर जब शेयर को अच्छा बताया तो शेयर उस टाइम कितने नीचे था और वो वहाँ तक के पहुँच गया था जहाँ तक के हमें प्रॉफिट लेना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, अगर आपको दिल्ली से दुबई जाना हो और वो ऐसा प्लेन हो उसमें सेफ्टी ज़्यादा हो, मतलब कि उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पैराशूट पहना के कूदा दें, आपको जाना हो दुबई, आप दिल्ली से दुबई के लिए बैठे, रास्ते में पता लगा कुछ तकनीकी खराबी आ गई है तो उनके जो मेंबर हो उन्होंने कहा कि भाई सबके सब अपने पैराशूट पहन लो और यहाँ से कूदो, कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है। अब आप कहोगे नहीं जी मुझे तो दुबई जाना है, मैं तो इसी में जाऊँगा जी, मुझे दुबई जाना है बस, मैं तो दिल्ली से दुबई जाना है मुझे, तो सर आप क्या करोगे, अपनी जान बचाओगे, अपनी तो जान बचाओगे ना कि भाई पैराशूट मेरे पीछे है, सेफ्टी है, मुझे कूदना है। तो सर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हर शेयरों में एक ही नज़र रखी जाएगी कि नहीं जी मुझे तो 100 में देखना है, तो आप कभी ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं ले सकते। समय समय पर डिसीजन और समय समय पर नज़रिया और समय समय पर साइकोलॉजी अगर शेयर मार्केट में बदलती है तो मैं आपको बता दूँ कि वो बंदा बहुत कामयाब हो जाएगा। जो सिर्फ एक चीज पर अटका रहेगा ना, तो आप देख लो फ्यूचर ग्रुप के शेयर कितने ऊपर थे, 300-400-500 रुपए में थे, वो कहता नहीं जी मैंने तो इतने में लिया है, मुझे नहीं, मैं तो यहीं से बस, मुझे तो और 1000 में देखना है, तो क्या होता सर? सर शेयर मार्केट जो है ना पलटने का काम है, लेकिन पलटने से पहले मैंने आपको एक नियम बता रखा है, प्रॉफिट जब भी आए थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट लेना ही चाहिए सर।